इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके ई मित्र आईडी गूगल क्रोम में लॉगिन नहीं हो रही है तो लॉगिन कैसे करना है। अगर आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस चाहे मंत्रा है, चाहे मोर्फ है, चाहे कोई और है, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टिक करता हूँ तो मेरे मंत्रा डिवाइस है उसके अंदर लाइट आ चुकी है और यहाँ पर मैंने फिंगर है वो लगा दिया है, यहाँ फिंगर कैप्चर आ गया है और यहाँ पर हमारी ई मित्र आईडी है लॉगिन हो चुकी है। तो ये लॉगिन कैसे होती है, इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारी ई मित्र आईडी ओपन हो चुकी है, हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद में आपको दिखाते हैं कि आपको क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर अगर आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है ये अपडेट हो गया है तो आपको ओल्ड वर्जन है वो इंस्टॉल करना है। तो ओल्ड वर्जन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने गूगल क्रोम 64 बिट का ये 7.0/35/38.110 ये वर्जन है और इस सॉफ्टवेयर की साइज है वो 52.1 MB है और इस सॉफ्टवेयर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने जो नया वाला गूगल क्रोम ब्राउज़र अपडेट हो गया था उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था और इस ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल आपको गूगल क्रोम करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सी डिस्क को ओपन करना है और यहाँ से आपको प्रोग्राम फाइल 86 है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको गूगल फोल्डर मिलेगा, इस गूगल फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से नीचे आपको अपडेट का फोल्डर मिलेगा, उस अपडेट फोल्डर को आप डिलीट करना है या फिर उस फोल्डर को ओपन करके जो अपडेट वाली नीचे फाइल आती है उसको आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद में आपका क्या होगा, गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो अपडेट नहीं होगा, कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो गूगल क्रोम के अंदर आराम से चलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस छोटे से वीडियो में बाकी आप सभी लोग समझदार ही हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी, इस ट्रिक से आप गूगल क्रोम में SSO ID को लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आपके मंत्रा है और चाहे आपके मोर्फ है। और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस अगर जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे गूगल क्रोम को पहले वाले को रिमूव करना है, वापस कैसे इंस्टॉल करना है और वापस इंस्टॉल करने के बाद अपडेट कैसे बंद करना है ताकि गूगल क्रोम हमारा दोबारा से अपडेट नहीं हो और दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।